हे भगवान, हम सारी रात यहाँ, हमें नींद कैसे आई? इतनी बड़ी बेवकूफी हम कैसे कर सकते हैं? मुझे जरा तुम्हारा बाथरूम यूज करना था। अंकल बाथरूम में गुड्डन है, वो ना रही है। गुड्डन बाहर निकल आए तो मुझे बुला लेना, मैं टेरिस पर हूँ। जी चाचा जी, तब तक मैं वहीं बैठकर तपस्या करता हूँ। ये बांके भी ना दिन प्रतिदिन कामचोर होता जा रहा है। अब तो गए, पैंट बच गया हमारा। हंस गए हम, सबको बता देंगे मोहल्ले में। तुम? जी वो हम वो हम वो कपड़े सुखाने आए, कपड़े ले जाने आए थे यहाँ से। पर तुम यहाँ कैसे? मजूमदार की बेटी तो बता रही थी कि तुम बाथरूम में हो। बाथरूम में? इसका मतलब उसने हमसे झूठ बोला। नहीं चाचा जी, ये आपको कोई गलत फहमी होगी। आपसे झूठ कोई क्यों बोलेगा? सामने वाले को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। सब समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ? मुझे तो लग ही रहा था कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ है। मेरी आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है गुड्डन। नहीं चाचा जी, आप गलत समझ रहे हैं। आपकी आंखों में कोई धूल नहीं झोंक रहा। वो सुबह सुबह इतना शोर शराबा, अरे कहां सो पाया होगा हमारा लल्ला बेचारा? चला गया होगा नीचे। एकड़ी देखी इनकी, आज तक समझ में नहीं आया कि किस बात पे अकड़ते हैं। अरे दूसरों का रोना क्या रोए, जब अपने ही घर में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और तुम कहती हो कि कपड़े लेने आई थी। चाचा जी हम वो, और नीचे हमसे कहा जाता है कि गुड्डन बाथरूम में है, यानी हमारे घर में हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। बाथरूम में अपने किसी रिश्तेदार को घुसा लिया होगा और तुम्हारे नाम की पर्ची फाड़ दी। अरे नियत में ही खोट है इनकी, पूरे के पूरे घर पर कब्जा किए बैठे हैं। लेकिन मैं भी चुप रहने वाला नहीं हूं। और कोई चारा नहीं है, हम उन्हें जाकर बता देते हैं कि तुम यहाँ पर हो, फिर जो होगा देखा जाएगा। रश्मि मत जाओ, अगर मेरी मॉम को पता चल गया ना तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पर भी अपनी मॉम की फिक्र है। रश्मि बात को यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगता है, और अगर बात वहाँ पहुँच गई ना तो इतना बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा कि। माधव तुम ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम लड़की हो और मैं लड़का हूँ। दीदी आज आपने दरवाजा क्यों बंद किया? पिटन मैं चेंज कर रही हूँ, 2 मिनट। रश्मि 2 मिनट में क्या होगा? कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना अगर उन्हें पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो हम दोनों का बहुत खराब इंप्रेशन पड़ेगा।
रात को तो मैंने दरवाजा लॉक किया था और अभी जब मैं आया तब भी लॉक ही था। तो गुड्डन छत पर बिना दरवाजा खोले कैसे चली गई? बेटा वो दो बातें अभी भी हमारी समझ में नहीं आई। बस भी करो चाचा जी, कितने सवाल करोगे। एक तो वो मजूमदार की बेटी ने हमसे झूठ क्यों बोला, और दूसरा जब तुम छत पर थी तो छत का दरवाजा कैसे बंद हुआ?